अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार मटर वाले चावल। सर्दियां आ गई है, मटर वाले चावल तो हर घर में बनते हैं और हर किसी के बनाने का तरीका भी अपना होता है। तो आप लोगों के साथ अपना सिंपल सा तरीका बताती हूँ। रात के 2 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ मटर वाले चावल। बड़ा दिल कर रहा था बस एक मटर वाले चावल खाने का, मतलब सिंपल से। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ईजी रेसिपी है। 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे, कोई भी पतीली ले, नॉन स्टिक है नहीं है, इट्स ओके, कोई भी अवेलेबल है। उसमें आपने ऐड करना 1/2 कप ऑयल, 1 मीडियम अनियन, प्याज को फ्राई करेंगे जब थोड़ा सा ब्राउन होने लगे, खड़े मसाले ऐड करेंगे। इसके अंदर 1/2 ग्लास वाटर ऐड करेंगे, उसके बाद जीरा डालेंगे 2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून सॉल्ट यानी कि 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 चाय का चम्मच दादर मिर्च, और यहाँ पे मैं लहसुन के जवे धो लिए जो कि प्याज के बाद फ्राई करने थे, यानी प्याज ब्राउन करके ना फिर लहसुन डालती हूँ, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। लेकिन ना मैं भूल गई डालना, खैर मैंने फिर अंदर ऐसे ही डाल दिया। आप लोग फ्राई कीजिएगा, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है ना चावलों में, तो जरूर डाल के देखिएगा, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो खैर फिर मैंने ऐसे ही डाल दिया, अंदर जितने चावल है उस हिसाब से पानी डाले और मटर इस पॉइंट पर डालने, मटर पहले पकाने नहीं है, इसको कोई नहीं पकाना, बस डायरेक्ट चावलों के साथ मटर डाल दें। बस अभी से ढक्कन देके 10 मिनट के लिए कवर करें, 10 मिनट में इसका पानी खुश्क हो जाएगा, साथ ही मटर भी इसमें थोड़े से कुक हो जाएंगे, कच्चे नहीं रहते, बिल्कुल गारंटी। और इस तरह मटर का कलर भी चेंज नहीं होगा, अक्सर मटर का कलर चेंज हो रहा है, चावल अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह आप बना के देखिएगा और दम दे दें एंड पे, और बहुत मजेदार मटर वाले चावल सादे से तैयार है। इसके साथ कोई भी आप सालन बनाए बड़े मजे के लगते हैं, सिंपल भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें मटरों का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। जरूर ट्राई करें रेसिपी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, प्यार से कमेंट करें। इंशाल्लाह मजेदार रेसिपीज आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, खुश रहें।